पीएसजी बैंकों में क्या अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवर में है, स्पेशली जो आज डेवलपमेंट हुई उसके बाद? जी मैं कहूंगा कि मतलब बिफोर द बजट ऑल्सो हम लोग मतलब ये स्पेस एक जो है वहां पे एक वैल्यू किस्म की अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली दिखाई दे रही थी बैंक्स इन जनरल, चाहे वो पीएसयू बैंक्स हो या पीएसयू बैंक से ज्यादा तो मतलब आई वुड से प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, लेकिन एग्रीगेट बेसिस पे मतलब बैंकिंग सेक्टर इज अंडर परफॉर्म्ड द ब्रॉडर मार्केट्स इन द लास्ट 2-3 इयर्स. तो एक वैल्यू अपॉर्चुनिटी जरूर वहां पे वैसे भी बनती नजर आ रही थी हमें. और क्लियरली ये डेवलपमेंट जो हुई है बजट के अंदर आई थिंक विल बूस्ट यू नो प्रोस्पेक्ट्स फॉर पब्लिक एज वेल एज प्राइवेट सेक्टर बैंक्स. पब्लिक सेक्टर को डेफिनेटली थोड़ा ज्यादा बेनिफिट होगा प्राइमरली फ्रॉम द बॉन्ड इन्वेस्टमेंट्स पॉइंट ऑफ व्यू. तो क्लियरली दिस इज समथिंग जो हमारे जो हमारा ओरिजिनल विचार था या जो हमारी सोच थी फॉर 2024 के बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज वाला जो सेक्टर है उसको एक बूस्ट मिल सकता है या एक आउट परफॉर्मर सेक्टर हो सकता है. आई थिंक वो इस बजट के डेवलपमेंट के साथ साथ और ज्यादा कोऑपरेट हो जाता है. ताहिर, मैं आपसे एक फॉलो अप, इनफैक्ट ये कैपेक्स में जो आपका डिफेंस की तरफ एलोकेशन आया है या फिर रेल की तरफ एलोकेशन आया है उस पर सवाल पूछना चाहूंगी. कंसिडरिंग ये पूरा एक स्पेस था जहां पर बजट से काफी पहले अच्छी तेजी आ चुकी है, अच्छे खासे फंड्स का एलोकेशन भी बढ़ा है, लेकिन यहाँ से अगर फॉलो थ्रू करना हो वैल्यूएशन वाइज क्या और आप जैसे निवेशक पैसा एलोकेट करेंगे इस स्पेस में? नहीं, तो देखिए ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे मतलब हमें कंटिन्यूटी की बहुत अपेक्षा थी. एंड मैं एक्चुअली सुबह के इंटरव्यू में मैं ये कह चुका हूँ कि मतलब वहाँ पे अगर कुछ हल्का भी डिसअपॉइंटमेंट होता तो थोड़ा मार्केट ओवरऑल मार्केट के लिए एंड स्पेशली ओवरऑल इकोनॉमी के लिए चैलेंज चैलेंज हो सकती थी. लेकिन आई थिंक ये जो एलोकेशन वित्त मंत्री ने इस बजट में लिया है आई थिंक एक फेयर एलोकेशन है. हमें ये ध्यान रखना है कि बैक टू बैक 25-30% इंक्रीज इन कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले हुआ है पिछले 2-3 साल में, तो वो इंटेंसिटी से तो क्लियरली नहीं चल सकता है. लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी भी गवर्नमेंट या पब्लिक केपेक्स सपोर्टिव है, तो आई थिंक ये तीसरा या चौथा साल हो जाएगा फॉर पब्लिक सेक्टर केपेक्स टू हैव कंटिन्यूड. तो अब ये है कि यहाँ से जैसे कि रिले रेस में होता है कि अब यहाँ से यू हैव टू हैंड इट ओवर टू द प्राइवेट सेक्टर. तो आई थिंक प्राइवेट सेक्टर के लिए भी एक जगह बन गई है कि मतलब यू कैन हैव द नेक्स्ट 12-18 months फर्दर. एक टाइम पीरियड मिल जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर अपना केपेक्स यहाँ से बढ़ाए ताकि ओवरऑल इन्वेस्टमेंट साइकिल में कंटिन्यूटी बनी रहे. तो आई थिंक ये 11% इंक्रीज इन एलोकेशन इज ऑल्सो वैसे लगेगा कि शायद थोड़ा कम है कम्पेयर टू द लास्ट 2-3 इयर्स, लेकिन आई थिंक इट इज अ फेयर एलोकेशन. और काफी हद तक मेरी जो एंग्जाइटी थी या चिंता थी इन द मॉर्निंग हैज बीन सेट टू रेस्ट.